भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। ये पीछे जो मंच की तस्वीरें हैं वो तस्वीरें हम आपको दिखला रहे थे, और यहाँ पर ही अमित शाह ने तमाम जो बूथ कार्यकर्ता थे वो लोकसभा क्षेत्र के, उन्हें संबोधित किया है। और इस मौके पर जहाँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव मौजूद थे, तो वहीं खजुराहो लोकसभा के सांसद बीडी शर्मा भी यहां मौजूद रहे। तमाम कार्यकर्ताओं में जोश भरा। वहीं कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने न सिर्फ राहुल गांधी पर तंज कसे, बल्कि बात करें दिग्विजय सिंह की तो उनके कार्यकाल में भी जिस तरीके से कम फंड दिया गया था प्रदेश को, उसका भी उल्लेख किया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस भ्रष्टाचार की पर्याय है, और कांग्रेस यानी भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार यानी कांग्रेस। इस चुनाव के लिए फिर कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए उन्होंने कार्यकर्ताओं से और वोटरों से भाजपा को 29 की 29 लोकसभा सीटें जिताने के लिए आह्वान किया है। गृह मंत्री आए, जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया, और इस बार 29 सीटें और भाजपा को 400 पार ले जाने की बात कही। मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें आएंगी। एक कार्यकर्ताओं ने पूरे जोश और उससे विश्वास से माननीय अमित शाह जी को, गृह मंत्री जी को आश्वासन दिया कि हम 29 सीट देंगे अपनी खजुराहो की, और इस संभाग की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल ही दिल्ली जाएगा, ऐसा आश्वासन दिया है। माननीय अमित शाह जी पूरे प्रदेश में हर जगह दौरा कर रहे हैं और पूरी 29 क्या कहेंगे भैया, क्या इस बार मोदी सरकार, फिर इस बार मोदी सरकार अब की बार फिर से मोदी सरकार। 400 का जो हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने जो हमें लक्ष्य दिया है उसको पूर्ण रूप से सफलतापूर्वक हम सब कार्यकर्ता, हमारे बूथ अध्यक्ष महामंत्री मिलकर उसको पूर्ण रूप से प्रचंड बहुमत से फिर से माननीय मोदी जी को राष्ट्र के प्रधानमंत्री बनाने के लिए सब लोग प्रयास करेंगे और बनाएंगे। बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन समाप्त हो चुका है, और ये वो मंच है जहाँ कुछ देर पहले गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधन दिया, और अब यहाँ पर जो तमाम कार्यकर्ता है वो यहाँ पर सेल्फी ले रहे हैं, अपनी तस्वीरें खींच रहे हैं और इन लम्हों को अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं में जोश भरा जहां गृह मंत्री अमित शाह ने, वहीं पर आप ये देख सकते हैं कि अब जब कार्यक्रम समाप्त हो गया है तब तमाम जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो इस मंच पर पहुंचे हैं। क्या शुभ नाम है आपका? लक्ष्मी साहू। कैसा लगा? सारी की सारी बीजेपी आएगी, और फिर से एक बार मोदी सरकार, जी फिर से मोदी सरकार आएगी जी। अभी मंच में आप लोग क्या सेल्फी एल्फी खींच रहे हैं, क्या देख रहे हैं? जी हाँ, चलिए, ये बहुत बड़ा मंच था तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ता पहुंचे। क्या कहेंगे भैया पूरे आयोजन को लेकर, किस तरीके का? बहुत बढ़िया, यहाँ पर जो आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है यहाँ पर, बहुत अच्छी बात कही है, और बहुत ज्यादा टारगेट से बीजेपी लेके चलेगी, और अपने को यहाँ से 400 पार होके आज अपन को सांसद बनाना है। इस तरीके का आह्वान किया है तो कार्यकर्ता भी जोश और उत्साह से लबरेज दिखाई दे रहा है। बुंदेलखंड 24/7 के लिए खजुराहो से राजेंद्र सिंह। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग। बुंदेलखंड 24/7, स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।